a word, how to settle these tensions down, या how to avert the current. दूसरी साइड छोड़ दी. How to settle Bath India tensions. ये जो आप टीचर से मिला हम तो ये जनरली डिसिप्लिन की होता है सर. ये इस तरह के वैसे पाकिस्तान और इंडिया आपस में दोस्त बन गए हैं. क्या नुकसान है इसमें? दोनों का फायदा ही है. ये जो आपने कोटेशन पीछे दो लिखवाई है, इसका ऐसे कह सकते हैं कि अब ये सेटल कैसे कर सकते हैं टेंशन. सबसे पहले आपके जितने भी टिश्यूज हैं उनको हमने देखना है कि हमें एक तो लीनियंसी चाहिए. एक लीनियंसी चाहिए कि हम हिस्टोरिकल बर्डन ऑफ मिस्ट्रस्ट को उसको छोड़ दें. हिस्टोरिकल जो हमने बैगेज उठाया हुआ है उसको छोड़ दें. ठीक है. एक हमें रैशनैलिटी, एक रैशनल अप्रोच चाहिए. रैशनल अप्रोच चाहिए. रैशनल अप्रोच में आपने क्या करना है कि लीव करना है हिस्टोरिकल बर्डन बिहाइंड. जो भी हमने हिस्टोरिकल मिस्ट्रस्ट, क्योंकि ये सारी चीजें हिस्टोरिकली है ना, हिस्टोरिकल मिस्ट्रस्ट को सर. वैसे मैं एक चीज सोच रहा था कि बचपन से एक बच्चे के माइंड में हमारे में भी मतलब जब हम छोटे थे क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि इस तरह हुआ सब कॉन्टिनेंट ये वो, शुरू से एक माइंड डेवलप हुआ होता है मतलब वो ये हमारा दुश्मन है ये हमारा सारा. ये चीज खत्म करनी तो यही चीज है ना. सेम चीज इंडिया वाली साइड पे आपकी पब्लिक में कॉन्फिडेंस नहीं है एक दूसरे पे. वो भी हम देखेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म्स. पहले तो रैशनल अप्रोच, हिस्टोरिकल जो भी बैगेज है उसको पीछे छोड़ दें हम. रैशनल अप्रोच आगे का सोचें, नॉर्मलाइजेशन से हमें क्या है. क्योंकि रैशनैलिटी अगर देखें तो अगर हमारा गेन ज्यादा है नॉर्मलाइजेशन से, दो चीजें हमें मिलेंगी. फर्स्ट आपने लिखा कि नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाती है तो पहली चीज हमें क्या गेन होगा कि हमारे जो भी डिफेंस बजट जाता है, जो LOC में या इंडिया पाक बॉर्डर में जो हमारा डिफेंस शेयर है, उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट में डेविएट कर सकते हैं. शेयर कैन बी डेविएटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट में दोनों लैग करती हैं. इंडिया बेशक, अब इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 उनकी 130 करोड़ आबादी हो गई है. अब उधर पॉवर्टी भी बढ़ रही है, साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रही है, जीडीपी भी बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो पॉवर्टी बढ़ रही है. एवरेज इनकम एक हाउस होल्ड एवरेज इनकम अगर देखें जो 60% पॉपुलेशन उसकी $1 है, तो पॉवर्टी भी है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट में उसको भी जरूरत है, पाकिस्तान को भी जरूरत है, वो दोनों उस पर इन्वेस्ट करें. दूसरा क्या होगा नॉर्मलाइजेशन से, इनके ट्रेड रिलेशंस बनेंगे, इंटरडिपेंडेंट रिलेशंस बनेंगे. ट्रेड रिलेशंस कैसे, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन देखी हुई है, हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्शन कहती है कि अगर पाकिस्तान इंडिया में जो कैपेसिटी है, पाकिस्तान इंडिया में ट्रेड कैपेसिटी है, दैट इज $37 billion और पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड 1 billion से भी कम होती है, जब होती है नहीं तो ज्यादा हम खत्म ही किए रखते हैं बॉर्डर क्लोज. ये तो ट्रेड, हम ट्रेड की भी जरूरत है. पाकिस्तान इंडिया भी ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान भी डेवलपिंग है. एक तो यह, दूसरा हमने लॉजिकल एक वे है कि हम दूसरों की पब्लिक परसेप्शन को बदले ना, क्योंकि डेमोक्रेसीज है इसमें पब्लिक परसेप्शन बहुत मैटर करती है. पब्लिक परसेप्शन को कैसे बदलना है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म CBMs. सर लेकिन मैंने ये देखा कि ज्यादा इश्यूज तरफ है, उधर की जो गवर्नमेंट है तो पनी एंटी पाकिस्तान एंटी वो, इधर तो हमारी गवर्नमेंट एक जैसे करतारपुर का प्रोजेक्ट या बड़ी कोशिश भी करती रहती है, यही उस साइड पे ज्यादा सवाल है. यही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म उसकी बेसिस ही एंटी मुस्लिम एक ही आ जाता है. आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म लगाने हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. एक जो हम देखते हैं कि हम इंडिया को एक इंडिया इंडियन हिंदू माइंड में एनिमी या वो मुस्लिम माइंड में एनिमी वो ना आए.
कैसे कर सकते हैं, हमने जैसे किया कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म लगाए, करतारपुर कॉरिडोर संपन्न किया, ठीक है, हमने एक क्रिकेट मैच, क्रिकेट एक मेजर लिंक है जो दोनों एंथुसियास्ट हैं क्रिकेट के लिए, इंडियन भी पाकिस्तानी भी, तो क्रिकेट एक मेजर रोल प्ले कर सकती है स्पोर्ट्स पार्टनरशिप, आर्ट्स एंड कल्चर, हां इसी तरह हम ये मूवीज पाकिस्तान, अब क्या है कि पाकिस्तानी एक्टर्स को ब्लॉक कर दिया, सिंगर्स को ब्लॉक कर दिया, आप CPMs को बढ़ाएं ताकि लोगों की परसेप्शन चेंज हो और वो कोऑपरेट आपस में, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन अगर बदल जाए तो आपकी रूलिंग पार्टी को बदलनी पड़ती है, ठीक है। और सॉल्यूशन आपके माइंड में क्या हो सर? और सॉल्यूशन मोहब्बत के लिए, कैसे शादियां करो, एक कॉमन लिंक है पाकिस्तान और इंडिया में, ग्लोबल जो पावर्स हैं वो एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से, कॉमन लिंक हमारे में कौन सा है सर? सार के यूएसए, तो यूएसए अगला पॉइंट हमारा यही है कि यूएसए को एक मीडिएटर का रोल करना चाहिए। सब उन्होंने जो डिवाइडर रूल किया था वो भी ये भी तो यूएसए की बस में आना पड़ा, वो यूएसए जाते ही नहीं सर। यूएसए टू एक्ट एज अ मीडिएटर, क्योंकि हमारे में कॉमन लिंक है यूएसए, क्योंकि चाइना तो नहीं है, क्योंकि इंडिया एंटी इंडिया इंडिया, जैसा पाकिस्तान ने जब रीच किया कश्मीर एक्शन के लिए, यूएसए ने कहा कि मैं मीडिएट करूंगा, ट्रंप ने कहा आई विल मीडिएट इफ मोदी या इफ इंडिया आस्क्स, इंडिया कहेगा तो मैं कर देता, इंडिया दोनों पार्टीज विलिंग हो, तो ये अप्रोच है कि वो यूएसए ट्रेड है किसकी तरफ? इंडिया की तरफ, तो उसको मिल रहा है इकोनॉमिक गेन, एंटी चाइना रिटॉरिक्स, एंटी चाइना पॉलिसी, इनसर्कलमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी में मेजर रोल, इंडो पैसिफिक में एक्सेस मिल रही है उसे, उसको स्ट्रेटेजिक गेन ज्यादा मिल रहा है इंडिया से, इंडियन ओशन में एक्सेस मिल रही है उसकी कोर्स के, उसके सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन, बैका एग्रीमेंट होता है इनमें, सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, चाइना कंटेनमेंट में है, क्वाड में है, ट्रेड है, ठीक है, यूएस स्टूडेंट्स यहाँ पे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल दोनों का कोऑपरेशन है, मेजर जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं, तो ये जो चीज है ये यूएसए को इंडिया के फेवर में कर देती है। डिप्लोमेसी ओपन करें, बायलैटरली करें, बैक चैनल डिप्लोमेसी, बाकी स्टेट्स को इंक्लूड ना करें, बाकी स्टेट्स को इंक्लूड किया जाता है तो वो अपने पॉलिटिकल गेम्स आगे रखते हैं, आप बैक चैनल डिप्लोमेसी को यूज करें और कश्मीर इशू को रिजॉल्व करें, कोई बायलैटरल तरीका निकाले, हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन देखे थे कि एक पॉसिबल वे, जैसे मुशर्रफ का 4-point फार्मूला एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने किया, वैसा कोई सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, ये इशू रिजॉल्व होगा तो पाकिस्तान का एक मिस्ट्रस्ट बना हुआ जो खत्म हो जाए। सर आपको आज सर अगर क्वेश्चन आता है उसमें आप ये पॉइंट अब इसके तो फर्दर आप ये तो भी ना मेंशन करेंगे केड़ा सॉल्यूशन मुशर्रफ का, अगर ये अगर बैठे जाना, अगर आपके पास क्वेश्चन में टाइम है या अगर आपके पास क्वेश्चन में स्पेस है उतनी, आपके पेजेस या आपकी इतनी लेंथ नहीं होनी पूरी, अब तब ये चीजें डालते हैं एक्स्ट्रा, आज जब मैं बात करके आइडिया देते हैं, क्योंकि ये आपके आपके ये सजेशन होते हैं, ये एज अ सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते या इम्पोज नहीं कर सकते, ये अपने एज अ सजेशन देने होते हैं, रिकमेंडेशन देने, तो ये पॉसिबल वेज हैं सेटल करने को, ठीक है। और हमें इंसेंटिव्स आउट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अगर वो एक डायमेंशन पूछ रहे हैं इंसेंटिव्स आउट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि म्यूचुअल ट्रेड, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस, ठीक है, म्यूचुअल रीजनल कनेक्टिविटी, ये सारे गेन्स मिलेंगे, तो
ये भी आप एक सेपरेट, अगर उसने सेपरेट पूछा तो सेपरेट है, अगर वो बना लेना इंसेंटिव्स। अगर वो पूछ रहे हैं कि इंसेंटिव्स बिहाइंड नॉर्मलाइजेशन, कि नॉर्मलाइजेशन के क्या इंसेंटिव्स होंगे, क्या फायदे होंगे, इंसेंटिव्स बिहाइंड नॉर्मलाइजेशन क्या क्या होंगे। सबसे पहले आपने लिखना है जो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है कि इनके जो ट्रेड कैपेसिटी है दैट इज 37 बिलियन ऑलमोस्ट, बढ़ भी जाएगी। तो एक तो म्यूचुअल ट्रेड है कि म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ट्रेड, म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ट्रेड ही आपकी हेडिंग बन जाएगी। दूसरा कि मेजर शेयर ऑफ डिफेंस बजट या मेजर शेयर ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर आप जो एलओसी में इतना पैसा लगाते हो, ठीक है, वो डेविएट कर सकते हो। ये जो हम वेपन्स आर्म्स रेस में चले हुए हैं, हम आर्म्स रेस से शिफ्ट हो जाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट पे। आप उसने लिया राफेल लिए, हम जेटेंसी लेंगे, उसने न्यूक्लियर वेपन लिया, हम भी न्यूक्लियर। तो हम बेसिकली एक पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि पाकिस्तान इज बीइंग ड्रैग्ड टू आर्म रेस। पाकिस्तान को ड्रैग, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है इंडिया, वो कर सकता है, पाकिस्तान नहीं कर सकता। सो ये तो आप उसमें बता दीजिए कि इंसेंटिव है, हाउ टू सेटल पाकिस्तान इंडिया टेंशन, हाउ ये बेसिकली इंसेंटिव्स। तो मेजर शेयर ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर टू बी ट्रीटेड या टू बी कैन बी शिफ्टेड, टू बी कैन बी खुद प्रपोजिशन में देखते हैं टू वर्ड या टू वर्ड देखें। कुछ वर्ड्स के साथ ज्यादा आपका जब आपने मोशन को शो करना होता है कि एक चीज ऑन गोइंग आपने दिखानी है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएगी, तो टू वर्ड्स आएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और टू आता है सिंपल डायरेक्शन एक डायरेक्ट करने के लिए। तो मेजर शेयर ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर कैन बी शिफ्टेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। और तीसरा है कि आपकी सबसे मेजर जो आपके सार्क फेलियर है, आपकी साउथ एशिया कनेक्टेड नहीं है, सबसे मेजर इरिटेंट है ये रेलवे। तो इंसेंटिव क्या मिलेगा, रीजनल कनेक्टिविटी, आपको इंसेंटिव क्या मिलेगा, रीजनल, क्लियर है।